हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वधावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? वधावन पोर्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और यह भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह होगा। डीप ड्राफ्ट बंदरगाह का मतलब होता है मालवाहक जहाजों को संभाल सकेगा ये। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग स्पेसीज ऑफ वल्चर विल बी सेटअप इन विच प्लेस? तो ये प्लेस है महाराजगंज। महाराजगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ये देखिए यहाँ पे है वाराणसी में ये है। ओके, द रिवर ब्रह्मपुत्रा कॉल्ड इन तिब्बत? तिब्बत में रिवर बंद ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे है तिब्बत, चेम्योंगदुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। तिब्बत में कहा जाता है यारलंग सांगपो, सांगपो रिवर कहा जाता है। ओके, और ये जब नामचा बरवा से टर्न होकर इंडिया में एंटर करती है तो इसको दिहांग कहा जाता है। दिबांग के बाद जब ये असम में एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको कहा दिया जाता है जमुना, और जमुना जब गंगा यानी पद्मा से मिलती है तो इसको कहा जाता है मेघना। हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल? तो किस कोल में पाया जाता है हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? तो ये है एंथ्रासाइट, अबाउट 90%। ओके, अबाउट 90% ऑफ कार्बन कंटेंट इज अवेलेबल इन द एंथ्रासाइट। ओके, और सबसे खराब कोयला होता है पीट, सबसे खराब होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। और ब्यूटीमिनस, हमारे इंडिया में जो कोयला पाया जाता है वो ब्यूटीमिनस होता है। और कई सारी बुक्स में 4 टाइप्स दिए हुए हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटीमिनस, पीट एंड लिग्नाइट एंड पीट। लेकिन कई साइंटिस्ट ने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, एंथ्रासाइट, ब्यूटीमिनस, सब ब्यूटीमिनस, पीट एंड लिग्नाइट। ओके, द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया वॉज डग एट? तो कहाँ पे डग किया गया था? तो ये डिगबोई है। ओके, आंसर इज सी। ओके, द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया वॉज डग एट डिगबोई, और डिगबोई है कहाँ? ये है असम में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम हाइडल पावर? कौन से प्लेस पे हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? तो ये है मिट्टूर, आंसर इज टी। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम हाइडल पावर इन मिट्टूर, इट हैज़ अ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, और लगभग 840 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन है जो इसको कंट्रोल करता है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट? लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? तो इनमें से कोई नहीं है, सो द आंसर इज डी। प्रेजेंटली जो है वो कमुथु इन तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट, कमुथु ये है कहाँ? तमिलनाडु में। कामुथु इन तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विद पावर जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज 648 मेगावाट। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट? तो फर्स्ट कौन सा था? तो ये है शिव समुद्रम, आंसर इज बी। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वॉज सेटअप एट सिद्रापोंग हाइडल पावर स्टेशन इन दार्जिलिंग, एंड द अदर वन वॉज सेटअप इन 1902 ऑन शिव समुद्रम फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया? तो लार्जेस्ट शेयर किसका है पावर जनरेशन में? तो ये है थर्मल पावर, आंसर इज बी। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अबाउट 67% अप्रॉक्सीमेटली,
इन थर्मल पावर स्टेशन कोल, गैस, ऑयल, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एज अ फ्यूल. एमंग सोर्सेज ऑफ पावर इंडिया हैज़ लार्जेस्ट ऑफ, तो इंडिया में पावर के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, तो ये कोल है. आंसर इज ए. ओके, लगभग 72% कोल का यूज़ किया जाता है. इन विच स्टेट द कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में. ओके, वन ऑफ द डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर कोयना इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसलिए इसका नाम कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रख दिया गया है. इन विच स्टेट सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन रायसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे. और कौन सी रिवर पे, रिवर है ये आपकी चेनाब, और रायसी डिस्ट्रिक्ट है. अभी अभी यहाँ पे आतंकी हमला हुआ था रायसी में. पन्ना इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश, इट इज़ फेमस फॉर वॉट, तो पन्ना फेमस है किसके लिए, डायमंड माइंस के लिए. आंसर इज सी, और मध्य प्रदेश में है. इट इज़ लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ विंध्यायन रेंज, और एक्सटेंड करता है 240 किलोमीटर, और पन्ना ग्रुप के नाम से जाना जाता है. तलचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तलचर किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हैवी वाटर प्लांट के लिए. आंसर इज डी, हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ओके, और तलचर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है. वेयर इज नथफा जाकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, नथफा जाकरी पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में. आंसर इज सी, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया था 2004 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया दिया गया था, अभी ऑपरेशनल है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रोसा पावर प्लांट लोकेटेड, रोसा पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में. आंसर इज ए, और इसकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट, और कोल बेस्ड है ये. ओके, कोल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी है, और ये उत्तर प्रदेश का एक विलेज है शाहजहांपुर है, वहाँ पे ये है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द NHPC, रॉन्ग कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है इसमें पूछ रहा है, तो बैरा श्यूल हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल ठीक है. सलाल जम्मू कश्मीर में है, ये भी ठीक है. लोकटक यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि लोकटक लेक मणिपुर में है, ये सिक्किम नहीं है, ये गलत हो गया. और देवी घाट नेपाल में है, ये भी बिल्कुल ठीक है. इसमें नॉट रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग यही है. सो द आंसर इज सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट, कोल डिपॉजिट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है इसमें से, तो ये है दामोदर वैली. आंसर इज बी, दामोदर वैली लाई कहाँ करता है, छोटा नागपुर रीजन के पास, और इसके पास कोल फील्ड के भंडार हैं. द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो थर्मल पावर प्लांट जो बोकारो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है झारखंड में. आंसर इज सी, द बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो है ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, वहाँ पे ये लोकेटेड है. दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.